हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज का जो वीडियो है वो है कंपैरिजन वीडियो। सो ये है मामा अर्थ का एक पर्पल का सीरम है जिसका मैं कंपैरिजन वीडियो करने वाली हूँ। अगर आपने इसका सीरम जो इन दोनों सीरम का अलग सेपरेट वीडियो है वो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा। मैं उसको आई लिंक पर उसको मैं आई लिंक बटन पर क्रिएट कर दूंगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर आज का जो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर मैं इन दोनों प्रोडक्ट के प्राइस की बात करूं तो पर्पल का जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो है 285 रुपीज। बट ये इजीली आपको, क्योंकि पर्पल का ऑफिशियल ब्रांड है और ये सिर्फ पर्पल के आप पे अवेलेबल है, आपको तो वहां पे हमेशा कोई ना कोई डिस्काउंट चल रहा होता है, तो इजीली आप इसको 240-250 की रेंज में इजीली ले सकते हैं ये। और इस अगर मैं मामा अर्थ के सिरम की बात करूं तो ये है 599 का इसका प्राइस है, ऑलमोस्ट 600 हो गया। और ये लेकिन आप इसको इजीली 20% डिस्काउंट में ले सकते हैं अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं जो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। अगर आप उसको यूज़ करके, लेकिन वो कोड जो है सिर्फ मामा अर्थ की ऑफिशियल साइट पे यूज़ होगा, अगर आप उसको यूज़ करके ये परचेस करते हैं तो आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिलेगा, जिससे कि आपको ये प्रोडक्ट इजीली 450 तक आप इसको ले सकते हैं। सो आप चाहे तो इसको ले सकते हैं। ये 30 ml का प्रोडक्ट है। मैं अगर प्राइस वाइज की बात करूँ तो ये प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल है एज कम्पेयर टू दिस सीरम। ये काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में आ जाता है क्योंकि ये आपको 240 और 20 ml पर हो जाता है और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक स्टे करेगा। तो प्राइस रेंज में इन दोनों में अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी अफोर्डेबल है। दोनों ही 2 ईयर्स की शेल्फ लाइफ के साथ आता है, विच इज़ वेरी गुड। तो अच्छा टाइम है, दो साल में तो कोई भी प्रोडक्ट खत्म हो ही जाता है, तो ये दोनों की शेल्फ लाइफ जो है 2 ईयर्स। अब मैं अगर बात करूँ इन दोनों प्रोडक्ट के सीरम के टेक्स्चर की, जो इसका टेक्स्चर है वो काफ़ी मेरे को हैवी लगा है। और अगर मैं वही मामा अर्थ के सीरम की बात करूँ तो इसका जो टेक्स्चर है वो काफ़ी लाइट है और काफ़ी एकदम भी स्टिकी फील नहीं होता आपके स्किन पर। अगर मैं इन दोनों टेक्सचर के अकॉर्डिंग जज करूँ तो ये मेरे लिए बेस्ट है क्योंकि ये बिल्कुल लाइट है और आपकी स्किन को एकदम भी हैवी फील नहीं होने देता, एकदम आपकी स्किन पर स्टिकी भी फील नहीं होगा। तो वेरी गुड है ये, काफ़ी अच्छा लगा इन दोनों में। तो अगर मैं बात करूँ आपकी किस स्किन टाइप पर कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सूट करता है, तो मामा जो ये पर्पल का सीरम है वो मैं सिर्फ और सिर्फ ड्राई स्किन वालों को रिकमेंड करूंगी। ऑयली स्किन वाले समर टाइम में तो उसको बिल्कुल भी यूज ना करें, और नॉर्मल स्किन वाले तो वो भी नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरी स्किन ऑयली है। और मैं इसको 1 month यूज किया था मैंने इसको, बट मेरे स्किन पे ये एकदम बिल्कुल भी मुझे सूट नहीं हुआ है। और मामा अर्थ का जो प्रोडक्ट है, लिखा तो एक्ने प्रोन स्किन के लिए है, बट ये चाहे तो ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन और ऑयली स्किन, कोई भी आपका स्किन टाइप हो आप इसको यूज कर सकते हैं, ये उनको काफ़ी अच्छे से सूट करेगा ये प्रोडक्ट। अब मैं इन दोनों की अगर अवेलेबिलिटी की बात करूं कि कहाँ का अवेलेबल है, पर्पल का जो प्रोडक्ट है सिर्फ और सिर्फ पर्पल की ऐप पे आपको मिलेगा क्योंकि ये उनका ऑफिशियल ब्रांड है और कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा। बट जो मामा अर्थ का प्रोडक्ट है आपको मामा अर्थ के ऑफिशियल ऐप पे तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा भी आपको ये अमेज़न और नाइका पे भी मिलेगा, पर्पल पे भी इनफैक्ट ये मिलेगा और ये फ्लिपकार्ट पे भी मिलेगा। तो ये काफ़ी इजीली आप इसको काफ़ी सारी जगहों से ले सकते हैं, इनफैक्ट ये आपको लोकल मार्केट में भी इजीली मिल जाता है। जबकि पर्पल का जो एक ऐसा ब्रांड है ये, जो सिर्फ और सिर्फ पर्पल ऐप में ही आप इसे मिलेगा, ले सकते हैं। तो ये एक इसका डाउन साइड है पर्पल का, तो इसमें ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप इसको कहीं से भी ले सकते हैं इजीली। अब मैं इसकी अगर क्लेम की बात करूँ दोनों में कि कितना अच्छा है जो ये क्लेम कर रहा है, उसके अलावा मैं बात करूँ कितना ये अपने क्लेम को फुलफिल कर पा रहा है ये दोनों प्रोडक्ट, क्योंकि ये जो है स्किन रिपेयर सीरम है कि आपकी स्किन को स्किन रिपेयर करेगा आपकी स्किन को, क्योंकि इसमें क्या है विटामिन ई एंड सी है। विटामिन ई जो होता है आपके स्कार्स को रिमूव करने में हेल्प करता है, और जो मामा अर्थ है वो भी यही कहते हैं कि आपके स्कार्स को रिमूव फेड आउट करने में हेल्प करेगा। दोनों का क्लेम सेम है ऑलमोस्ट, बट जो ये है इसने मेरी स्किन को कुछ भी नहीं किया, कुछ हेल्प नहीं किया स्कार्स को रिमूव करने में, तो मेरे लिए एकदम मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया था ये। आप इसका मेरा सेपरेट रिव्यू भी है वो देख सकते हैं। बट जो ये है मैं इसको मोर देन 1 week से यूज़ कर रही हूँ, इसने मेरे काफ़ी हेल्प करा है छोटे छोटे एक्ने को रिमूव करने में भी। इची स्किन हो जाती है जब एरी एक्ने होते हैं तो उसको रिमूव करने में भी काफ़ी हेल्प करा है, और जो रेडनेस हो जाती है एक्ने के अराउंड उसको भी रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करता है ये। सो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा जो इसने क्लेम किया है। स्कार्स की बात करूँ तो अभी तक स्कार्स में इतना कोई मैं फ़र्क नहीं कह सकती कि इसने भी स्कार्स में कोई मैजिक किया है, बट एक्ने के ऊपर जो मेरे न्यू एक्ने हो जाते हैं छोटे छोटे उसको फेड आउट करने में काफ़ी हेल्प किया है। सो इन दोनों में मैं इसको चूज़ करती हूँ। अगर मैं एक्ने के लिए बात करूँ या स्किन स्कार्स की बात करूँ तो मैं इसको ही प्रेफर करूँगी, इसको मैं कभी भी एटलीस्ट ऑयली स्किन वालों के लिए मैं कभी भी प्रेफर नहीं करूँगी। सो इसका अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट दूँ इन दोनों सीरम को लेकर,
तो मैं इसको आगे रखती हूँ। आई नो ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पर है, बट आप इजीली इसको काफी अच्छे प्राइस पे ग्रैब कर लेंगे 450 तक। अगर आप अच्छे उस पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं कहूंगी आप इसको इस पर इन्वेस्ट करें, काफी अच्छा है ये। सो यही था मेरा कंपैरिजन वीडियो आज का। आई होप आपको ये वीडियो जो अच्छा लगा, और अच्छा लगा और उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को बिल्कुल भी मत भूलेगा, ये टोटली फ्री है। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।